जब हम लोग जवान हो रहे थे, टीनेज में थे, उस समय वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे करके तो कुछ था नहीं। उस समय प्यार के लिए कोई फिक्स डे या फिक्स वीक नहीं होता था, ना शेड्यूल होता था कि आज ही के दिन रोज़ देंगे या आज ही के दिन गुलाब देंगे या कैमरा देंगे। उस समय जिसको जब मौका मिलता था तब वो प्यार की शुरुआत करता था, और फिर उसकी एनिवर्सरी में वो याद करते थे कि पहली बार हम मिले थे, तुमने हामी भरी थी वगैरह। तो वैलेंटाइन का जो वीक है, हालांकि ये हमारे हम लोग के जब वसंत ऋतु से ये मैच करता है, वसंत को ही को जो है प्रेम का मास जो है पहले भी माना गया है, और लेकिन डे करके कोई दिन नहीं था। और अब जो है हम ये कह सकते हैं कि प्रेम का ये बाजारीकरण हुआ है, और प्रेम जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड वर्ड माना गया है, जबकि कुछ साल पहले तक, कुछ दशक पहले तक ये काफ़ी वर्जित क्षेत्र माना जाता था। सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा जो है वो शर्म वाली बात मानी जाती थी, लोग इस पर बात करने से कतराते थे, और ये पर्दे के पीछे ही होता था। लेकिन अब जो है ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आ रहा है। कुछ हद तक ये अच्छा है, कुछ हद तक ये बुरा भी है। वैलेंटाइन डे पे कुछ चीज़ें याद आती हैं, कुछ बेवकूफ़ियाँ लोगों की याद आती हैं, इसकी निरर्थकता ये याद आती है। जैसे कि हमारा एक दोस्त था, उसको एक लड़की से प्रेम हुआ, अब एक तरफा की दो तरफा हम नहीं कहेंगे, उससे उसकी झलक पाने के लिए वो पटना से कानपुर जो है उसके हॉस्टल तक जाता था, और काफ़ी हद तक दीवानापन था। दोनों की शादी नहीं हुई, लड़का आज भी कुंवारा है, पटना में उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, और अब स्थिति ये है कि वो लड़की पटना आती भी है तो उससे मिलने के लिए भी 1 घंटा वो नहीं निकालता है, ना निकाल पाता है, ना निकालना चाहता है। तो कम उम्र का प्यार का दीवानापन जो है परिपक्व होने पे जो है वो काफ़ी उथला लगने लगता है, ऊर्जा विहीन लगने लगता है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कम उम्र के, नए उम्र के, जो इन प्रेम रेम के चक्कर में जान दे देते हैं। अभी जो है हमारे ही दूर के रिश्तेदार में एक लड़का जो है सल्फास खा के जान दे दिया, देने का प्रयास किया था, और उसके माँ बाप को करीब 20 लाख रुपए लग गए उसको बचाने में। तो और मुझे मालूम है कि जिस लड़की के लिए जान दिया है, 2 साल के बाद वो लड़की उसको मिलेगी तो भी उसकी तरफ देखेगा ही नहीं। तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करने वाले नौजवान को सभी लोगों की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए और समझना चाहिए कि वो जो है अभी एक हार्मोनल अट्रैक्शन के चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा उद्वेलित हैं, जो कि कई साल के बाद नहीं रहेगा। और हम अब मेट्रोपॉलियन सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में ये देख रहे हैं कि प्यार एक बिजनेस बन गया है। वही लड़की पिछले साल किसी और के साथ वैलेंटाइन डे मना रही थी, इस साल किसी और के साथ मना रही है, और निश्चित तौर पर अगले साल जो है किसी और के साथ मनाएगी। ये मेट्रोपॉलिटन सिटियों में, बड़े शहरों में प्यार एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। ये लड़कियों की आजीविका और खर्चा निकालने का साधन बन गया है, और पुरुष लोग जो हैं वो सेक्स के आकर्षण में जो है इनके शिकार बन रहे हैं, मोहरे बन रहे हैं। अब वो पुराने ज़माने की कहाँ बात रह गई कि वो मरने जीने साथ साथ, जीने मरने की कसम साथ साथ, जीने निभाने की कसम। आजकल तो ये एक बिल्कुल जो है बिजनेस टाइप का, बिना भाव का प्रेम रह गया है, और आज के लड़के भी उतने निष्ठावान नहीं रहे हैं, या कहिए कि मजबूत हृदय वाले नहीं रहे हैं। अब दब्बू किस्म के जो है लड़के और लड़कियां हैं। लड़के लड़कियां जो है शादी से पहले खूब अफेयर करते हैं, लेकिन शादी जो है वो अपने माँ बाप के कहने पे मोटा दहेज लेके अपनी ही जाति के लड़के या लड़की से करते हैं। वो लोग कहाँ रहे जो कुछ दशक पहले, 50-60 के दशक में दूसरे जात, दूसरे धर्म के लड़की से प्रेम करके और शादी करने का जोखिम उठाते थे, और साथ रहने का जोखिम उठाते थे। अब वो हिम्मत नहीं है,
अब यह उथला प्रेम का जमाना है, एक टैडी एक चॉकलेट इसी पर प्रेम हो जाता है, और यही नहीं मिलने पर प्रेम खत्म हो जाता है। ऐसे प्रेम को मेरा प्रणाम।